अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन क्वीन बाय शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आई मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ बन कबाब, वो भी मेरी स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लास्ट सब्सक्राइब का बटन दबाइए, पास वाली बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। यहाँ पे मैं आधा किलो मटन खीमा ली हूँ। इसमें हम दो बड़े प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, एक चम्मच कबाब मसाला, थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें सब मसाले डालेंगे। दो चम्मच बेसन डालेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, दो चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, एक नींबू का रस और एक अंडा डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करके लेंगे। इस तरह से हमें मिक्सी में ग्राइंड करके लेना है और अब हम इसे एक घंटा मैरिनेट के लिए रखेंगे। One hour later. हाथ को हम थोड़ा सा ऑयल लगा के लेंगे। छोटा सा गोला लेके इसके हम इस तरह से कबाब बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी कबाब को बना के लेंगे। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रखी हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हम इसमें कबाब फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक अलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई करके लेंगे। कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल के लेंगे। इसी तरह से हम सभी कबाब को फ्राई करके लेंगे। यहाँ पे मैं एक बन ली हूँ। बन को हमें बीच में से कट करना है। बन के एक साइड पर हम पुदीना चटनी लगा के लेंगे। इस पर हम थोड़ा सा मेयोनीज और थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे। अब हम इस पर कबाब रखेंगे और इसे इस तरह से कवर करेंगे। बन कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।